क्वेश्चन में क्या गिवन है? कॉस 2x अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? तो पहले तो हमें यहाँ पे एंगल अलग दिख रहा है, कॉस 2x, तो कॉस 2x की आइडेंटिटी हमने पुट कर दी, क्या कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नीचे हमारा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है। अब इसमें फर्दर आइडेंटिटी क्या लग सकती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो क्या बन जाएगा ये? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो एक कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिनोमिनेटर से कट जाएगा। क्लियर? तो ये आइडेंटिटी क्यों यूज कर रहे हैं, वो रीजन भी आपको मिल गया। क्लियर? सो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हमने लिखा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर एक पावर कट गई आपकी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स से ऊपर से यहां तक। सो क्या बचा? अब हमारा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब यहां पर हम नीचे वाले को अगर टी लेट कर लें तो इसका डेरिवेटिव कुछ ऊपर वाले के सेम बन सकता है। सो लेट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू टी। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को हमने टी लेट कर लिया तो क्या बनेगा? इसका डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस का इक्वल्स टू डी टी बाय डी एक्स। क्लियर? तो अगर इसको रीअरेंज करें तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ही बन रहा है यहां पे, इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो अब यहां पे क्या बन जाएगा? देखो ये चीज ऊपर की हमारी पूरा डी टी हो गया और नीचे वाला हमने टी मान लिया, तो 1/t dt। क्लियर? और 1/t का इंटीग्रेशन लॉग टी, सो लॉग टी प्लस सी। ठीक है? और टी की वैल्यू हमने पुट कर दी, दैट इज कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। सो लॉग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर हो गया।